सो हेलो एवरीवन, सो कैसे आप लोग। सो आज हम बात करने वाले बेंच पीरियड के बारे में। सो बहुत सारे लोग बेंच पे होंगे 1 ईयर से, 6 मंथ से और 1.5 ईयर से टीसीएस में। सो उन सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमको प्रोजेक्ट कब मिलेगा, हम इस टाइम में क्या कर सकते हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको इसी कंपनी में स्टे करना होगा तो आपको आरएमजी के टच में रहना होगा। अगर कोई आपका दोस्त किसी प्रोजेक्ट में लोकेटेड है तो उस प्रोजेक्ट में कभी कभी उस प्रोजेक्ट में वैकेंसी होती है, या कोई छोड़ के जाता है उस प्रोजेक्ट को तो उसमें वैकेंसी होती है। सो आपके जो भी दोस्त होते हैं उनको आपको बोल के रखना होगा कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो अपनी मैनेजर के साथ बात करके आपको उस प्रोजेक्ट में एलोकेट कर सकता है। ये फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आपको एलोकेट होना है प्रोजेक्ट में, सो नोमी में अगर आप अल्टीमेटिक्स में जाओगे, नोमी में डेली पोस्ट शेयर करते हैं लोग जिनको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इसमें पोस्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट में एलोकेशन होना चाहिए। एक और ऑप्शन होता है टेलीग्राम ग्रुप्स। सो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं टीसीएस के रिगार्डिंग, टीसीएस के इम्प्लॉयज होते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में होते हैं, वो रेगुलरली अगर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है तो वो पोस्ट करते हैं। सो ऐसे लोगों के आप टच में रहोगे तो आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट मीलेगा ही मिलेगा। सेकेंड वे होता है बेंच पीरियड एक्सप्लोर करने का, तो हम अपस्किल कर सकते हैं, बहुत सारे स्किल्स हम लर्न कर सकते हैं इस फ्री टाइम में, और हमको फ्री का टाइम मिलता है प्लस फ्री का पैसा मिलता है। ऑल्सो चीज़ होती है कि टीसीएस कभी फायर नहीं करेगा आपको, जो भी लोग बेंच पीरियड पे होंगे, बिकॉज रतन टाटा जी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि टीसीएस में रिसेशन, ले ऑफ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारी जो भी एसेंचर कॉग्निजेंट इम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी टीसीएस में नहीं होगा। जस्ट आपको आपकी रिक्वायरमेंट आपको चूज़ करना है। अगर आपको स्टे करना है टीसीएस में, सो आप आरएमजी के टच में रहो, अपने फ्रेंड के टच में रहो, और सो आप नोमी पोस्ट एंड टेलीग्राम ग्रुप्स के टच में रहो। सेकेंड वे में, अगर आपको कंपनी चेंज करनी होगी तो आप अपस्किल करो इस टाइम में, अपने ना पैशन को फॉलो करो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट होगा लाइक कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, शेयर मार्केट, जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपका लक अच्छा होगा तो उस चीज़ में आप सक्सेस मिल सकता है आपको। सो डिपेंड है आपके ऊपर, आप स्किल लर्न कर सकते हो या कंपनी चेंज कर सकते हो। सो डिपेंड है। सो अगर आपको बेंच पीरियड पे टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप अगर टेंशन में आ रहे हो, तो ऐसा कुछ ये नहीं करना, जस्ट आपको कभी ना कभी तो प्रोजेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो वेट एंड वॉच, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट लर्न करते रहो डेली, जो भी आपका प्लान होगा, जैसे आपको फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, जो भी रोल में आपको लगता है फ्यूचर है, तो उस रोल के लिए जो भी स्किल रिक्वायर्ड है वो आप डेली लर्न करते रहो। सो यही मैं बताऊंगा। अगर आपको स्टे करना है या कंपनी चेंज करना है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे सोच सकते हैं। सो ये डेली का टाइम, ये फ्री का टाइम होता है, तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और बाकी चीज़ें सारे सीख सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो, और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पिन करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई में देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना।